मुरैना जिले के गांव में हो रहे निर्माण कार्य को अतिक्रमणकारियों द्वारा रोक दिए जाने के विरोध में ग्रामीण सबलगढ़ तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि शासकीय भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को शीघ्र ही हटाया जाए। मामले में प्रशासन ने कहा कि निर्माण कार्य के विरोध में तत्काल कार्रवाई की जाएगी, हालांकि अन्य अतिक्रमण पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई होगी। मुरैना जिले की सबलगढ़ जनपद पंचायत के बेरे गिर्द ग्राम पंचायत में काफी समय से निर्माण कार्य लंबित थे। इसका मुख्य कारण गांव की सड़क पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। हाल ही में प्रशासन द्वारा गाँव के गंदे पानी निकास हेतु नाला निर्माण की सूचना दी गयी। कार्य आरम्भ होते ही कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। निर्माण कार्य तो रुक गया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। इसे लेकर ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय सबलगढ़ स्थित राम मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। जिला प्रशासन द्वारा इन ग्रामीणों से चर्चा की गई है। कर रहे हैं कि सीमांकन में जो एस्टीमेट में के अनुसार जो काम चाह रहे हैं, इसमें जैसे नाली थोड़ा सीधी हो जाए और आवागमन में परेशानी नहीं आए। आगे पानी की भी समस्या आप देख के आए हैं, वो भी दिक्कत आ रही है। उसमें भी नाली दोनों तरफ बन जाएंगे तो उसमें भी पानी का जल भराव जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और बच्चों को आने जाने में भी परेशानी होगी। बच्चों की गाड़ी वगैरह रोज आती जाती है, बड़े बुजुर्ग उसमें रोज आते जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी आ रही है। इसमें प्रशासन अधिकारी अमला एक बार चेक करने आया, 5-6 महीने हो गए लगातार उनको आवेदन ज्ञापन दिए, तब जाके कहीं आप प्रशासन ने सुध ली और सिर्फ मौके के निर्देश देकर चले गए। 6 दिन हो गए हम और गाँववासी वहाँ पे क्रम हड़ताल करने के बाद अब आमर अनशन पर बैठ गए हैं। लोग एक नाली निर्माण को लेके राम मंदिर चौराहे सबलगढ़ पर, मेरे साथ में पूर्व सरपंच माखन रावत, भूरा रावत, भागीरथ रावत जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिस नाली निर्माण को शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका सीमांकन 2 बार हो चुका है। प्रशासन दबंग लोगों के सामने बौना साबित हो रहा है और ये वजह मुझे पता नहीं हम लोगों को क्या वजह है। और हम लोग चाहते हैं कि जो सीमांकन पे चिन्हित भूमि है उस जगह से नाली निर्माण कराया जाए और रोड को चौड़ी करके दोनों साइड नाली बनाई जाए। वही प्रशासन ने कहा है कि गांव की गलियों में हो रहे अतिक्रमण से उन्हें निजात दिलाई जाएगी। ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। इनफैक्ट अभी क्योंकि सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा है इसलिए सरपंच जो है एक्टिवली इन सब काम को टेकअप कर रहे हैं। ये 5 साल से ही ये प्रयास कर रहे हैं और सही बात है कि वहां पे अतिक्रमण के वजह से नाला निर्माण नहीं हो पाया है। अब जो है कल से मेरे पास जो रिपोर्ट है कि काम शुरू कराया गया है और नाला निर्माण करने के लिए जितना अतिक्रमण हटाना जरूरी है उतना अतिक्रमण हटा के निर्माण कार्य को कराया जाए। अभी भी इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ये नाली निर्माण के अलावा भी कुछ जगह पे जो है अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। एमपीएलआरसी में व्यवस्था दी गई है जिसमें 250 के दावे के अंतर्गत वो अन्य अगर किसी के प्राइवेट जमीन पे कोई अतिक्रमण है और उसको वो हटवाना चाहते हैं तो वो दावा पेश कर सकते हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि गांव बेरे गिर्द में शासकीय भूमि पर कितना भी अतिक्रमण है सबको एक साथ हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाण न्यूज़, मुरैना।